Fleet Street was full of red-headed people. Mr. Wilson thought that with so much competition, he would not get the job. He wanted to go back, but Spalding pushed through the crowd and took Mr. Wilson to the office. There was nothing in the office but a couple of chairs and a table. A red-headed man sat behind the table. He was Mr. Duncan Ross, a representative of Red-Headed League. He was very pleased to see Mr. Wilson and announced immediately that he was well suited for the job. He shook hands with Mr. Wilson, congratulated him, and told all other candidates to go back. Mr. Duncan Ross explained that Mr. Wilson would have to be in the office from 10 to 2. If he left the office, he would lose the job. Spalding assured Mr. Wilson that he would look after Mr. Wilson's business in his absence. The pay was fixed at £4 a week. And the work, said Mr. Wilson, you have to copy. You have to copy out the Encyclopedia Britannica. The pay was very good, and the work was very light. Mr. Wilson accepted the job and began his work the very next day. Mr. Duncan Ross was there in the office to see that Mr. Wilson did his work properly and did not leave the office. He told Mr. Wilson to start with the letter A. Mr. Wilson wrote diligently for 4 hours without leaving his place. Mr. Ross would drop in from time to time to see that all was right with Mr. Wilson. At 2 o'clock, he bade Mr. Wilson good day and locked the door of the office. सबक के इस अगले हिस्से में जब मिस्टर विल्सन और उनका जो असिस्टेंट है नौकर है स्पॉल्डिंग ये उस 7th Fleet Street इस पते पर पहुंचते हैं तो वहां पर रेड हेडेड लोगों से वो इमारत वो जगह भरी पड़ी थी जब मिस्टर स्पॉल्डिंग मिस्टर विल्सन ने देखा कि यहाँ पर इतने सारे इतना कॉम्पिटिशन है इतने सारे लोग इस जॉब के लिए आए हुए हैं तो उनको ये जॉब कैसे मिल सकता है तो उन्होंने कहा he wanted to go back वापस जाना चाहते थे लेकिन जो स्पॉल्डिंग उनका नौकर था he pushed through the crowd वो भीड़ से उनको लेकर के आगे बढ़ा और सीधे ऑफिस में पहुंचा दिया मिस्टर विल्सन को जब वो अंदर पहुंचे ऑफिस में तो ऑफिस में कुछ नहीं था कपल ऑफ चेयर और एक टेबल एक दो कुर्सियां और एक टेबल वहां पर था और टेबल की उस तरफ कुर्सी पर एक रेड हेडेड मैन बैठा हुआ था वही शख्स जिसका नाम इश्तेहार में था मिस्टर डंकन रॉस मिस्टर डंकन रॉस से जब वो मिले तो उनसे मिलकर प्लीज्ड हुआ खुश हुआ और इमीडिएटली इमीडिएटली फौरन उसने अनाउंस किया कि ही इज वेल सुटेड फॉर द जॉब कि वो उस जॉब के लिए वेल सुटेड है यानी कि बहुत सबसे मुनासिब है सबसे सही है और उन्होंने अदर कैंडिडेट्स को कहा कि टू गो बैक कि वो वापस चले जाए फिर उसके बाद में रॉस जो था डंकन रॉस उसने मिस्टर विल्सन को जैबेस विल्सन को काम क्या होगा ये बयान बताया कि काम क्या रहेगा उनका और जो उनके काम की जो बात थी वो बात आगे बढ़ी वहाँ पर कि उनको उस ऑफिस में 10 to 2 सुबह के 10 से दोपहर के 2 बजे तक रुकना है और वहाँ पर वो काम करना है पे उसका फिक्स हो गया कि 4 pounds को भी यानी कि 1 हफ्ते के 4 pounds लेकिन अगर वो बिल्डिंग छोड़ते हैं ऑफिस छोड़ देते हैं तो उनका जो जॉब है वो खो देंगे उनका जॉब चला जाएगा उनको वहीं पर रुकना होगा 10 से 2 बजे के दरमियान उन्होंने फिर मिस्टर विल्सन ने पूछा कि वर्क काम क्या होगा तब उन्होंने अपने बताया कि जस्ट टू कॉपी आउट द इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया डिक्शनरी से बढ़कर होती है डिक्शनरी के अंदर आपको वर्ड का मीनिंग ही आपको पता चलेगा या उसका यूसेज उसका इस्तेमाल क्या है पता चलेगा जबकि एन इंसाइक्लोपीडिया इज एन इंफॉर्मेशन बैंक मालूमात का खजाना होती है उस लफ्ज से जुड़ी हुई तमाम मालूमात उसमें होती है और दुनिया की मशहूर तरीन इंसाइक्लोपीडिया इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है ब्रिटेन से जो शायद होती है तो उसको कॉपी करना उसकी नक्काली करना उस
कि नकल करना, सिर्फ पेज के ऊपर उसको देख देख करके उतारना लिखना, ये उनका काम होगा 10 बजे से 2 बजे के दरमियान। और इस दौरान उनको वहीं पर रहना होगा। तो जब उन्होंने देखा, मिस्टर विल्सन ने, कि ये तो काम कम आसान हल्का है, लाइट वर्क है और गुड पे है, अच्छा पे है, इसकी सैलरी अच्छी है, तो वो उसके लिए राजी हो गए। उन्होंने ये काम को जो है तो अपना लिया। तभी उनसे कहा मिस्टर डंकन रॉस ने कि उनको लेटर ए, जो अल्फाबेट का लेटर ए होता है डिक्शनरी की, वैसी शुरुआत होती है, तो ए से शुरू करना होगा। ए से जितने वर्ड्स हैं उसके बाद जो तरतीब होती है उसकी डिक्शनरी टाइप, वहाँ से उनको कॉपी आउट करने की शुरुआत करनी होगी। और क्योंकि दूसरे ही दिन से मिस्टर जैबेज विल्सन ने अपने काम की शुरुआत कर दी थी, बीच बीच में वो आकर के देखते थे मिस्टर डंकन रॉस के ये सही तरीके से अपना काम कर रहे हैं या नहीं। लेकिन मिस्टर विल्सन रोड डिलीजेंटली यानी बिल्कुल केयरफुली वो अपना काम करते थे लिखने का, और बीच बीच में आकर के मिस्टर डंकन रॉस उन्हें देखते थे। फिर जब 2 बजे तब उन्होंने उनको बेड गुड डे यानी कि अलविदा कहा और दोनों ऑफिस से निकल गए, मिस्टर विल्सन भी और मिस्टर डंकन रॉस भी। और तब मिस्टर डंकन रॉस ने ऑफिस को लॉक कर दिया, ताला लगा दिया। और इसी के साथ यहाँ पर हमारा ये जो दूसरा वीडियो है ये खत्म होता है।